खाना हो या कहीं सफर में लेके जाना हो, बनाइए इस 2-3 दिन चल जाने वाली बिहार की फेमस सत्तू की पार्टी को। आइए देख लेते हैं इसके लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो मैंने सत्तू में ये चने का सत्तू है, नमक डाला और ये कलौंजी मंगरेला है, ये थोड़ी सी अजवाइन ली उसको भी हाथ से मसल के डाल दिया, और ये है भरुआ मिर्चा उसे डाला, उसके साथ उसके तेल को भी थोड़ा सा डाल दिया, अचार का तेल हो अगर आपके पास। ये मैंने मिर्ची का अचार जो होता है भरुआ मिर्चा उसे डाल के और उसको मसल लिया अच्छे से। इसको बहुत अच्छे से इसमें मिक्स कर लेना है इन चीज़ों को। कटे हुए प्याज लहसुन और हरी मिर्ची, अगर आपको इसे एक हफ्ते तक चलाना है तो आप प्याज ना डालें, लहसुन और मिर्ची डाल दें, अदरक खाते हो तो अदरक भी डाल लें इसमें, और इन सारी चीज़ों को भी अच्छे से मिक्स कर लें। और ये सरसों का तेल मैंने ले लिया इसमें, इसे भी डाल के थोड़ा और मिक्स कर लेते हैं। तो अगर आपको काफ़ी दिन तक इसे 2-3 दिन 4 दिन तक चलाना है तो सिर्फ सरसों का तेल डाल लें। अगर खाना है तो हल्की सी बाइंडिंग जो चाहिए उसके लिए आप पानी की छींटे भी डाल सकते हैं इसमें। इस तरह से देखिए बहुत अच्छे से इसको मिला लीजिए, और ये हरी मिर्ची मैंने ऊपर से डाल दी क्योंकि हाथ में थोड़ी लगती है, तो इसको मैंने ऊपर से डाल के और हल्के हल्के से मिक्स कर लिया। ये पार्टी की जो स्टफिंग होती है ये तैयार हो गई। ये देखिए इस तरह से बाइंड हो रहा है। अब क्या करते हैं, आटा लगा लेते हैं उसके लिए। तो मैंने आटे में ये सरसों का ही तेल डाला है इसमें, ताकि वो पार्टी नरम रहेगी बहुत दिन तक, 2-3 दिन तक जब तक आप रखेंगे, और थोड़ी सी खस्ती भी होती है इससे। तो नमक डालना हो तो आप नमक भी यहाँ पे आप डाल सकते हैं। अब मैंने सेमी सॉफ्ट डो इससे तैयार कर लिया, आप देख सकते हैं इस तरह से इससे। और अभी क्या करना है, इससे गोल गोल लोई तोड़ के और इस तरह से, और इसे कटोरी की तरह से इस तरह से हाथ से बना लेते हैं, जिस तरह से स्टफिंग के लिए बनाया जाता है आटे से। और उसमें ये जो सत्तू का मैंने ये स्टफिंग तैयार की है उसको अंगूठे से ऐसे दबाते हुए और आटे को थोड़ा ऊपर लाते हैं इस तरह से, बहुत आसान होता है इस तरह से, और सारे को ऐसे पकड़ के एक और इस तरह से बना लेते हैं। ऊपर का अगर आटा एक्स्ट्रा है तो उसको थोड़ा सा तोड़ के आप निकाल सकते हैं, और नहीं तो उसमें दबा के इस तरह से कचौड़ी की तरह से थोड़ा सा शेप देते हुए इस तरह से हल्का फ्लैट करके और एक शेप में बना सकते हैं। तो इस तरह से सारी बाटी को आप तैयार करके रख लें। और अभी ये पानी उबलने को रख दिए थे हम, तो वो पानी बिल्कुल बॉयलिंग टेम्परेचर तक आ गया था, तो उसमें मैंने ये सारी बाटी को डाल दिए। और अभी ये नीचे ऐसे है बैठी हुई, जब बॉयल हो जाएगी बाटी सारी तैयार हो जाएगी उबल के, तो ऊपर की तरफ देखिए पूरी सारी बाटियां ऊपर आ गई। तो ये होता है साइन कि हमारी बाटी तैयार हो गई है उबल के। तो इसको अब निकाल देते हैं, और इसको निकाल के एक प्लेट में रखते हैं, ये बहुत जल्दी सूख जाती हैं फ्राई करने के लिए। और अभी इधर तेल गरम करके सरसों के तेल में ही मैंने इसे बनाया है, तो उसमें बाटी को इस तरह से फ्राई कर लिया है। पहले फ्लेम को हाई रखते हुए फिर मीडियम फ्लेम पे इस तरह से तैयार कर लेते हैं खस्ता बाटियाँ। तो इस टिकाऊ बाटी के लिए और टेस्टी बाटी के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और देखते रहिए ग्लोबल देसी रसोई विद शालिनी। फिर मिलते हैं, बाय।